पूरा सेट आओ। हाँ गाइस यार एकदम मैंने साइकिल उतारा ना तो स्टैंड फटाक से दी, तो गाइस इसमें हो चुका है पिंचर। गाइस आप देख ही सकते हो गाइस। हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल, स्वागत है न्यू ब्लॉग में गाइस। सो गाइस हम आ चुके हैं अभी अपने खेतों पे गाइस, क्योंकि अभी थोड़ी बहुत सी घाम सी गाइस, तो हमें आना तो नहीं था, लेकिन घर पे भी हो रहे थे बहुत ज़्यादा बोर गाइस, तो फिर हमने सोचा मैंने खेत पे ही चलते हैं, यहाँ पे क्या करेंगे। तो गाइस अभी बताओ ना, बोर क्यों हो रहा था गाइस, सभी गांव के जो बच्चे ना मेरे साथ के, कुछ तो दिल्ली वगैरह चले गए काम वगैरह करने के लिए, और जो छोटे हैं ना मुझसे, वो गाइस गाँव में बीन रहे हैं आलू गाइस। तो गाइस वो सुबह जाते हैं और शाम को आते हैं गाइस, और फिर शाम को आते सो जाते हैं गाइस। तो गाइस मैं भी चला जाता कहीं, लेकिन घर में परेशानी है ना मम्मी वगैरह, इस वजह से मैं घर पर ही हूँ, कहीं नहीं गया गाइस। तो फिर मैं सोच रहा था कि मैं बोर हो रहा हूँ, तो फिर मैं खेत की तरफ निकल के आ गया था गाइस। तो गाइस यहाँ पे मुझे देखने को मेरे दो दोस्त मिले हैं गाइस, अपने भाई लोग ही हैं गाइस, वो ना खेत में कर रहे हैं क्रिया बोलते हैं गाइस, मतलब जब खेत जुत के रेट होता है उसको में कुछ बहती नहीं, तो क्रिया करते हैं गाइस पाकी से गाइस। तो गाइस मैंने सोचा मैंने कि अब ना यहीं पे दिमाग मारूंगा इन दोनों भाई लोगों से गाइस, तो वो खेत में है और मैं हूँ अभी उनकी बाइक पर गाइस, तो मैं साइकिल लेके आया था, सेकंड हैंड है मेरे पीछे गाइस। तो गाइस उनके पास चलते हैं और मज़े लेते हैं उनसे, क्या कर रहे हो क्या नहीं यार, क्योंकि और कोई है नहीं तो इनसे मज़े लेंगे गाइस। तो पहुँचते हैं इनके पास। तो गाइस आपको ये खेत दिख रहा ना गाइस, इसमें पहले लहा था यानी सरसों थी गाइस, लेकिन वो कट के ना और ये मतलब जुतवा के रेडी भी हो चुका है पानी के लिए गाइस, तो कल या परसों इसमें पानी लगेगा गाइस, और इसमें मतलब बहेंगे ये कुछ बहेंगे बारी वगैरह कुछ बहें पता नहीं, पूछूंगा अभी जाके। तो गाइस आपको सामने दिख रहे हैं जस्ट ये कर रहे हैं क्रिया गाइस। तो गाइस शायद आपने कभी की हो क्रिया, क्योंकि ना ये कर रहे हैं इससे क्रिया करने से बोलते हैं पाकि, इसमें मेड़ खींच रहे हैं लंबी लंबी, जिससे पानी इधर का साइड गिरेगा ना बिगड़ेगा इस। तो अभी अभी आए हुए हैं यहाँ पे, हमसे पहले आए थे, हम तो बाद में आए, हमसे पहले आए, इनके पास चल के पूछते हैं मतलब कि इसमें कहाँ क्या बोगे। तो गाइस भाई लोगों के पास पहुँच चुके हैं गाइस, और भाई लोग कह रहे हैं मुझसे कि हमारा ब्लॉग वगैरह कुछ मत बना, पता नहीं किस किस पे डालेगा, कौन कौन देगा, हमारे रिश्तेदार वगैरह देख लेंगे। तो मैंने कि भाई टेंशन मत लो, मैं इस जगह डालूंगा तुम्हारे रिश्तेदार नहीं पहुंच पाएंगे गाइस। तो गाइस ये क्रिया कर रहे हैं आप देख ही रहे हो गाइस, तो इससे ना बहुत मज़ा आता है क्रिया करने में, मतलब ज़्यादा मज़ा नहीं आप सोच रहे, लेकिन थोड़ा बहुत तो मज़ा आता ही गाइस। तो गाइस ये पूरे खेत की क्रिया होनी है, देखो इधर वाले की और इधर वाले की सारी क्रिया होनी है। तो गाइस ये भी भैया मेरे, वो भी भैया, दोनों भाई लोग ही हैं गाइस। तो गाइस ये अभी कर रहे हैं भरा, इसमें चलेगा पहले पानी और इधर उधर को काटेंगे तब क्रिया पूरी भर जाएंगी गाइस। तो गाइस भैया बोल रहे हैं कि इसमें बहेंगे हम तरबूज गाइस। तो गाइस अब फटाफट से क्रिया कर लें। सो गाइस ये अभी ना क्रिया कर रहे हैं गाइस, तो इन्हें देखे ना मेरा भी मन आ रहा है क्रिया करने के लिए, क्योंकि मैंने बहुत टाइम पहले की थी गाइस, तो थोड़ी ताकत तो लगती है, लेकिन मतलब मज़ा आता है क्रिया करने में गाइस। तो इस इन्हें देख के ना मेरा भी मन कर रहा है, तो गाइस ज़्यादा नहीं एक क्रिया तो मैं भी करके देखूंगा गाइस, क्योंकि बहुत दिन बाद करूंगा ना, आज से 6 महीने पहले की थी और अभी करके देखता हूँ गाइस। तो अभी चलता हूँ करने के लिए क्रिया। सो गाइस मैं लग गया हूँ क्रिया करने के लिए गाइस। तो गाइस मैं बोल रहा हूँ कैमरा से कि मतलब दोनों भाई आने चाहिए गाइस, और गाइस मैं मज़ा आ रहा क्रिया करने में, गाइस मैंने क्रिया करी गाइस, तो ओनली एक ही क्रिया करी थी, ज़्यादा क्रिया नहीं करी थी, क्योंकि गाइस ना एक ही क्रिया बहुत देर में हो गई, मतलब मैं हार गया गाइस, क्योंकि खींचते खींचते बहुत टाइम बाद खींचा ना गाइस, पहले खींचा था और अब खींचा। तो गाइस फिर मैंने पकड़ा दिया उन्हीं को, वो फिर पीछे ठाड़े हुए हैं, वो मेरे भाई लोग हैं गाइस। तो गाइस फिर वही क्रिया करने लग गए, मैंने मेरे पर नहीं होने वाला कुछ भी गाइस। तो गाइस बता रहे थे वो उसमें तरबूज वगैरह की पारी बहेंगी गाइस। तो गाइस अब वो वहाँ पर पहुँचे, तो गाइस अब मैं क्या करूँ उस खेत में, वैसे पाए गंदे हो रहे हैं, क्योंकि
इसमें, और पैसे भी मेरे पैर में चोट लग रही है वो वाली, तो गंदगी सही नहीं है। तो फिर मैं जाता हूँ साइकिल के पास ही, वहीं पर थोड़ी बहुत देर ना फ़ोन चलाऊँगा गाइस। सो गाइस हम आ गए थे साइकिल के पास गाइस, तो गाइस हमें एक दिमाग में आइडिया आया, इनसे तो मज़े ले लिए जितनी देर लेने थे, और मतलब अब हम जा रहे हैं अमरूदों के बाग में गाइस। वहाँ जा रहे हैं इसलिए गाइस, अभी अमरूद तो है नहीं वहाँ पे, लेकिन गाइस वहाँ पे ना एक बेल पत्थरों का पेड़ होगा गाइस, काफ़ी बड़ा होगा गाइस। तो गाइस उसमें ना बेल पत्थर अभी मेरे को इस लड़के ने बताया था कि पक गए हैं गाइस, तो गाइस खाने का मन कर रहा है बहुत ज़्यादा गाइस, तो गाइस उनको खाने के लिए चलते हैं गाइस, तो साइकिल निकालते हैं और चलते हैं। तो हम ना अभी ना थोड़ी दूर तक ना पैदल जाएंगे क्योंकि रोड थोड़ा बेकार है गाइस, उसके बाद जाएंगे गाइस। और ये क्या है गाइस, एकदम साइकिल एकदम उतर के कैसे कह देंगे, मतलब एकदम झटका से उतरिए गाइस, क्या हो गया साइकिल में देखता हूँ। अरे यार गाइस यार, एकदम मैंने साइकिल उतारा ना तो स्टैंड फटाक से उतरी, तो गाइस इसमें हो चुका है पिंचर गाइस, आप देख ही सकते हो गाइस। अबे यार उस दिन अगले वाले में हो गया था, पता नहीं क्या हवा निकाल दी थी किसी ने, और आज तो पिंचर ही हो गया गाइस, देखो गाइस इसमें हो गया पिंचर गाइस। अबे यार एकदम मैंने साइकिल उतारा ना फटाक से, इसको ठाड़ी करो पहले, तो इसको ठाड़ी किया मैंने ऐसे, तो गाइस इसमें हो चुका है पिंचर गाइस यार, एकदम देखो ये देख सकते हो लूज, इसका टायर दबा के दिखाता हूँ आपको, देखो कितना दबा के गाइस, इधर से दबा के दिखाता हूँ, देखो गाइस ये दब रहा गाइस। अरे यार एकदम मैं उतारी ना यहाँ से, तो फटाक से पिंचर हो गया। मुझे लगता है ना इस पर रोड पर ना काफ़ी कीटे मतलब कांटे वगैरह हैं, तो वहीं से कहीं से हो गया गाइस। तो गाइस अभी अभी ना मैं इसमें हवा डाल के लाया था, लेकिन इसमें पिंचर भी हो गया गाइस। उस दिन गाइस आगे वाले में हो गया था, पता नहीं किसी ने, हम बच्चे ने साथ के दोस्त ने हवा निकाल दी थी, और आज इसमें हो गया गाइस। अब मैं यहाँ से पैदल जाऊँगा गाइस, तो गाइस यार मैं लेटरिंग वगैरह कर लूँ उसके बाद जाऊँगा, क्योंकि ना अब मैं बाग का जाना कैंसिल कर रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं बाग पर जाऊँगा ना तो बाग थोड़ा दूर पड़ जाएगा गाइस, तो फिर मैं पैदल जाऊँगा, पैदल आऊँगा तो रात हो जाएगी, मतलब ज़्यादा रात हो जाएगी गाइस, इतनी रात मुझे चाहिए नहीं, क्योंकि फिर यार यहाँ पर डेंजर सा माहौल हो जाता है, तो इस वजह से गाइस अब मैं लेटरिंग वगैरह करके फिर मैं घर के लिए निकलूँगा। थोड़ी बहुत देर ना इन्हीं लोगों से दिमाग मारता हूँ गाइस, और शायद इन्होंने हवा लगा रही हो, ऐसा लग नहीं रहा क्योंकि ना कि मुझसे पहले आ गए थे, मैं आया हूँ बाद में गाइस। तो गाइस इन्होंने नहीं दिखा ली, ये इसमें ना पिंचर हो गया गाइस, तो मुझे ये देखना पिंचर हुआ इस रोड पर हुआ या कच्चे वाले पर, तो इस पर चल के जाऊँगा और देखूँगा कहाँ पर पिंचर हुआ कहाँ पर नहीं गाइस। हाँ मैं रोड पर डोला था चारों तरफ, लेकिन मुझे कहीं पे कोई कांटा वगैरह कुछ भी नहीं मिला गाइस, तो क्यों ना अगर कांटे से पिंचर होगा ना गाइस, तो इसमें कांटा टायर में ज़रूर लग रहा होगा गाइस। तो एक बार चेक करके देखते हैं कांटा है या नहीं, कि किसी ने हवाई निकाली है यार, लेकिन और कोई तो आया नहीं था, और एक बंदा आया था शायद उसने निकाली हो, तो अभी देखते पहले कांटा है या इसमें है, अगर हुआ कांटा तो पक्का कन्फर्म है कि कांटे से हुआ है, अगर नहीं होगा कांटा ना तो वही बंदा जो गया था ना वही निकाल गया, ये कन्फर्म पक्का है गाइस, तो देखते हैं कांटा चेक करके। तो गाइस थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा क्योंकि पता नहीं पड़ता, इससे प्यार से घुमाएंगे टायर को ऐसे ऐसे प्यार से, तो यहाँ तो नहीं है गाइस, यहाँ पे भी कहीं नहीं दिख रहा गाइस, अगर पिंचर कांटे से हुआ है तो कांटा पक्का इसमें दिखेगा गाइस, और नहीं हुआ साइड से देखूँ साइड से भी नहीं गाइस, तो कांटा तो मुझे कहीं नहीं दिख रहा गाइस, तो मुझे तो लगता है कि शायद ये ऐसे ही कैसे हुआ है गाइस, कांटा वांटा होता तो दिखता गाइस, ये क्या है, ये कांटा नहीं है तो वैसा ही कुछ है, कांटा है तो ये तो नहीं है गाइस, ये तो नहीं है कांटा, नहीं ये नहीं है, तो वैसा ही है ऊपर ही ऊपर है, ये तो वैसा ही है कुछ कांटा, गाइस मिल गया कांटा गाइस। अबे यार ये गया कांटा गाइस, आपको दिख रहा गाइस, ये रहा कांटा, आपको दिख गया गाइस ये रहा कांटा, देखो ये घुस रहा गाइस, तो इसके दो मुँह हैं गाइस, इधर भी मुँह है और इधर भी गाइस, तो गाइस इसने ही कन्फर्म किया है कि इसने हुआ गाइस, तो गाइस इसको हम निकाल देते हैं गाइस, कांटा भी मिल गया गाइस, प्यार से निकालेंगे गाइस, अरे और रह गया इसमें गाइस, अरे यार गाइस कांटा मिल गया गाइस, और आप देख सकते हो मेरे हाथ में लग रहा, देखो गाइस काफ़ी छोटा है तो दिखेगा नहीं, तो गाइस इसके दो मुँह और दोनों तरफ से घुसा हुआ था गाइस, तो इसी ने इसमें पिंचर किया गाइस, कन्फर्म हो गया गाइस। सो गाइस यार पूरा कन्फर्म हो गया कि पिंचर ना कांटे से ही हुआ था गाइस, तो ये क्या कांटा देखो छोटा सा गाइस, तो इस कांटे ने मेरी साइकिल में पिंचर किया था गाइस, तो गाइस इस कांटे का ना मैं वो हाल करूँगा ना
जो आगे वाले कांटे की रूह कांप जाए दोबारा ऐसा पिंचर करने के लिए गाइस। इसे मरोड़ दूंगा, ऐसे पूरी तरह से मरोड़ूंगा, ऐसा मरोड़ूंगा कि कभी कोई सेकंड पिंचर ना करे गाइस। तो गाइस इसकी ना नुक देखो इतनी पेनी है गाइस, बहुत ज़्यादा पेनी गाइस, फुटक सीधे ऐसे घुस के पिंचर करती है गाइस। तो गाइस अब ना 20 रुपये खर्च होंगे पिंचर लगवाने गाइस, तभी लग पाएगा गाइस। इस कांटे की हालत करता हूँ गाइस डेंजर सी, ये दोबारा कभी किसी की पिंचर नहीं करेगा, ऐसी हालत कर दूंगा इसकी मैं मरोड़ के साले की देखो ऐसी गाइस। सो गाइस इस ब्लॉग का एंड करते हैं यहीं पे गाइस, क्योंकि ना एक तो साइकिल में पिंचर हो गया, इससे ज़्यादा दिमाग ख़राब हो रहा है गाइस, और एक इससे ज़्यादा दिमाग ख़राब हो रहा है कि पैदल पैदल जाएंगे तो घर पर रात में पहुँचेंगे गाइस, और घर पर डांट भी पक्का पड़ने की है गाइस। और गाइस हमारे साथ वाले दोस्त वो तो बाइक से आए हैं गाइस, तो उनके साथ तो हम जा नहीं सकते और उनकी भी क्रिया होगी गाइस। तो गाइस अभी से हमें घर ले करना पड़ेगा, तो जब हम पहुँच पाएंगे गाइस। तो इस ब्लॉग का एंड करते हैं, तो आई होप ब्लॉग पसंद आया हो, तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलना, और जो लोग नए हैं चैनल पर वो सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में गाइस, सो बाय बाय गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग ब्लॉग।